पिंपल्स होते क्यों हैं? पिंपल्स तब किसी व्यक्ति को होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। फाइबर जितना अधिक मात्रा में जाएगा उतना ज्यादा हमारे बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेट होगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी गंभीर खासकर यंग जनरेशन में देखी गई है। इसमें आसन खासकर जिससे हमारे पेट की सफाई होती है उस आसन का प्रयोग पिंपल्स को दूर करने के लिए किया जाता है जिसमें संघ प्रक्षालन महत्वपूर्ण है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे पिंपल्स पर, तो सबसे पहले ये बताइए कि पिंपल्स होते क्यों हैं? हमारे बॉडी में गंदगी निकलने के चार रास्ते हैं। जब किसी की गंदगी हमारे शरीर के माध्यम से नहीं निकल पाती है चार मार्गों से, तो यह गंदगी निकलने का एक दूसरा मार्ग खुद ब खुद ढूंढ लेती है जिसको हम लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं। यह गंदगी हमारे चेहरे के द्वारा चलता है जिसको हम लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं। ज्यादातर युवाओं में ये समस्या क्यों होती है, यंग जनरेशन में ही क्यों होता है पिंपल्स निकलने की समस्या? जनरेशन में चेहरे पर होने वाला गंभीर बीमारी है जिसमें चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो जाता है। यंग जनरेशन में जब जनरली बच्चे आते हैं तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इसके अलावा यंग जनरेशन, आजकल का यंग जनरेशन बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस नहीं रहता है। पानी सेवन नहीं करने से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके अलावा आजकल आर्टिफिशियल फास्ट फूड जो यंग जनरेशन बहुत प्रेम से उसको लेते हैं, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी गंभीर खासकर यंग जनरेशन में देखी गई है। तो जिन व्यक्तियों को यदि कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पानी नहीं पीने से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं होता है, वो तो उस तरह के बच्चों में खासकर इस तरह की संभावना बहुत अधिक रहती है पिंपल्स होने की। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? पिंपल्स तब किसी व्यक्ति को होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में पिंपल्स को अच्छा करने के लिए सबसे पहले इसके कारण को जानते हैं। यदि हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो पिंपल्स रोग होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक है। तो कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए सुबह खाली पेट और रात के पहले दो टाइम कुछ दिन तक गर्म पानी का एनीमा लेते हैं। अगर संभव हो तो उसमें नीम की पत्ती डाल करके बॉयल करके उसका एनीमा लिया जाए तो स्किन इन्फेक्शन के लिए और पेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अमाशय की सफाई यानी कि एसिड जो हमारे अमाशय में रहता है उसको लेकर कुंजल क्रिया का अभ्यास 21 दिन तक किया जाए तो पूरे बॉडी का एसिड जो एक्स्ट्रा मात्रा में हमारे बॉडी में डिपॉजिट है जो पिंपल्स के रूप में हम देखते हैं, ये एसिड हमारे कुंजल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और एनिमा के माध्यम से हमारे मलाशय की सफाई हो जाती है और बॉडी हमारा बिल्कुल स्वच्छ रहे इसके लिए कम से कम 3 दिन तक बिल्कुल हम लोग अल्कलाइन डाइट का सेवन करते हैं जिसमें सुबह के समय नारियल पानी, दोपहर में फल और शाम और रात के समय में हम लोग सलाद का कच्चा सलाद का सेवन करते हैं। 3 दिन इसको हम लोग करते हैं तो हमारा पूरा शरीर बिल्कुल अल्कलाइन हो जाता है और अल्कलाइन मीडियम में कभी भी पिंपल्स की समस्या नहीं रहती है। और इतना ध्यान रहे कि इसके बाद भी अगर संभव हो तो कम से कम एक टाइम ही रात के समय पका हुआ भोजन का सेवन किया जाए। 21 दिन तक कम से कम सुबह के समय में नारियल पानी, दोपहर में फ्रूट्स, शाम में रॉ सलाद और रात को सब्जी ज्यादा और पका हुआ भोजन यानी कि चावल और रोटी की मात्रा कम रहे।
फाइबर जितना अधिक मात्रा में जाएगा उतना ज्यादा हमारे बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेट होगा। तो यदि हम अपने चेहरे के स्टीम लेंगे, स्टीम यदि नीम के पानी में बॉयल करके स्टीम लिया जाए तो वो स्किन इन्फेक्शन के लिए, खासकर पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा मोटे तौलियों को ठंडा पानी में भिगा करके कुछ देर तक चेहरा पर रखना चाहिए। इससे भी हमारे स्किन के पोर्स खुलते हैं और स्किन का टॉक्सिन बाहर से बाहर निकल जाता है और पिंपल्स की समस्या से हमें मुक्ति मिल जाती है। क्या कोई ऐसा मास्क है, फेस मास्क वगैरह लगाना चाहिए जिससे कि पिंपल्स कम हो? बाहर से बाहर बॉडी के टॉक्सिन अधिक तेजी से निकले, इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि नीम की पत्ती को ताजा लेकर के पीस लेते हैं और उसके रस से मुल्तानी मिट्टी को हम लोग मिलाते हैं और सुबह के समय में आधा घंटा तक उस लेप को चेहरे पर लगा करके रखते हैं और नॉर्मल ताजे पानी से उसको साफ कर लेते हैं। अगर नीम की पत्ती उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर कड़ी पत्ता का प्रयोग भी किया जा सकता है ताजा रूप में। और शाम के समय में ओट्स, जिसको हम लोग खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ओट्स और हनी दोनों को आपस में मिला करके और साथ में गुलाब जल डाल करके उसको हम लोग चेहरे पर आधा घंटा के लिए लगा करके रखते हैं। रात में सोने के पहले फ्रेश एलोवेरा को काट करके उसका जेल निकाल करके हम लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं और सुबह जब हम लोग उठते हैं तो गर्म पानी से अपने चेहरे की सफाई करते हैं। अगर एलोवेरा जेल ताजा उपलब्ध नहीं हो जहां पर, वहां अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल लेकर के रात में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो फेस मास्क हमारे स्किन के पोर्स को खोल देते हैं और टॉक्सिन हमारा तेजी से निकलने लगता है। इसलिए पिंपल्स के पेशेंट को मास्क, खासकर फेस मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। जितना संभव हो केमिकल युक्त साबुन और फेस मास्क से बचना चाहिए और नीम के पानी में तौलिया डाल करके, नीम के पानी जिसमें उबाल करके उसमें तौलिया डाल करके 5 से 10 मिनट अपने चेहरे के ऊपर रखना चाहिए और नीम के पानी का भाप भी हमें प्रतिदिन लेना चाहिए। क्या योगासन प्राणायाम इसमें लाभदायक होता है? इसमें आसन, खासकर जिससे हमारे पेट की सफाई होती है, उस आसन का प्रयोग पिंपल्स को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसमें संघ प्रक्षालन महत्वपूर्ण है। संघ प्रक्षालन में हम लोग लगभग 2 से 3 लीटर पानी गर्म करके रख लेते हैं, 2 ग्लास पानी पीते हैं और 5 आसन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उदराकर्षणासन, इस अभ्यास को हम लोग YouTube पर देख करके भी आसानी से कर सकते हैं। इस अभ्यास को हम लोग 5-5 बार करते हैं, पुनः हम लोग 2 ग्लास पानी पीते हैं और इस अभ्यास को 5-5 बार करते हैं। जब इस अभ्यास को हम करते हैं तो हमारे बॉडी का जितना भी टॉक्सिन रुका हुआ है, यदि एनिमा का पोर्ट कहीं उपलब्ध नहीं हो तो संघ प्रक्षालन के माध्यम से अपने आंतों की सफाई करके भी हम लोग अपने पिंपल से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन शर्त है कि हम लोगों को अल्कलाइन डाइट 80% लेना है और 20% ही हमको एसिडिक डाइट लेना है। आजकल हम लोग लगभग 100% एसिडिक डाइट का सेवन करते हैं और वैसे बच्चे को पिंपल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है जो हरी सब्जी का सेवन नहीं करते हैं, केवल आलू की सब्जी का सेवन करते हैं और तले हुए चीजों का सेवन बहुत अधिक करते हैं, फास्ट फूड और पैक्ड फूड का सेवन करते हैं। उस तरह के नौजवान युवकों को इस तरह की समस्या बहुत अधिक होती है। खाने पीने में किन चीजों का परहेज करना चाहिए और कौन सी चीजें खाने पीने में फायदा करती हैं, ये दोनों चीज बताइएगा। देखिए पिंपल्स के केस में, जैसा कि बताया गया है कि पिंपल्स के केस में कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या है, तो वैसे भोजन जो हमारे जा करके आंतों में चिपकते हैं, जितने भी आंतों में चिपकने वाले भोजन हैं उससे बिल्कुल दूरी बना करके रखना होगा और वैसे डाइट जो हमारे आंतों को क्लीन करते हैं
उस तरह के डाइट का सेवन अधिक करना हो तो सुबह के समय में नारियल पानी या खीरे के खीरा का रस निकाल करके, तरबूज या खरबूज का रस निकाल करके सुबह के समय में लेने से हमारे आंतों की सफाई बहुत अच्छे से होती है। मैदे की बनी हुई चीजें और पैक्ड आटा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो मोटे अनाज की रोटी, खासकर ज्वार, बाजरा और मकई की रोटी का सेवन कम से कम एक महीना तक पेशेंट को करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाद और हरी सब्जी जिसमें तेल की मात्रा बहुत कम हो का सेवन करना चाहिए। दिन भर में 3-4 बार कम से कम नींबू पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। नींबू पानी हमारे बॉडी की सफाई भी करता है और बॉडी में हमारे अल्कलिनिटी को भी मेंटेन करने का काम। तो खाने पीने वाली चीजों को का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस फूड का सेवन नहीं करना है। तली हुई चीजों से दूरी बना करके रखनी है। फ्रेश, ताजा, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल चीजों का ही प्रयोग किया जाए, खासकर कच्चे फल और सलाद के रूप में। जहां तक संभव हो एक समय अंकुरित स्प्राउट्स का सेवन जरूर करना चाहिए, तो इससे हमें पिंपल से बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है। आजकल बाजार में कई तरीके के साबुन, फेस वॉश और लोशन आ रहे हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि इन सबको ना लगा करके इंसान अपना फेस वॉश करे तो एकदम से साफ दिखाई दे, और साथ ही साथ जो कि पिंपल्स के लिए भी हार्मफुल ना हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा रहता है खासकर महिलाओं के लिए हल्दी, आटा या ओट्स, उसमें थोड़ा सा मसूर दाल डाल करके अपने चेहरे की प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसका लेप बना करके लगा लेना चाहिए, या अगर संभव हो तो उसमें चने के आटे का बेसन और थोड़ा दही डाल देने से भी चेहरे की बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। और यदि मुल्तानी मिट्टी हमारे पास उपलब्ध है तो मुल्तानी मिट्टी से ही अपने चेहरे की सफाई करनी चाहिए। अगर मुल्तानी मिट्टी उपलब्ध नहीं होता है तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां आजकल मुल्तानी मिट्टी साबुन जिसमें झाग नहीं होता है, उस तरह के मुल्तानी मिट्टी साबुन का प्रयोग करके भी अपने चेहरे को हम साफ कर सकते हैं। या एलोवेरा जेल यदि फ्रेश मिल जाता है तो एलोवेरा जेल से, या मार्केट में जो अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल मिलता है उससे भी हम लोग अपने चेहरे की सफाई यदि करें तो हम लोग पिंपल से मुक्ति पा सकते हैं। यदि बाजार में उपलब्ध जितने भी हानिकारक केमिकल्स हैं, हमारे बॉडी के पोर्स बंद हैं, टॉक्सिन नहीं निकल पा रही है, उनको पिंपल्स होता है, और फिर हमारा अलग से केमिकल बॉडी को देंगे तो पिंपल्स ठीक होने के बजाय और ड्राई लुक ले लेता है। और पिंपल्स के केस में एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब पिंपल्स हो तो उसको खुद से फूट करके उसके अंदर के टॉक्सिन को निकल जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने नाखून से उसको दबाते रहते हैं पिंपल्स, तो पिंपल एक तो जल्दी ठीक नहीं होता, हीलिंग उसकी नहीं हो पाती है, दूसरा चेहरे पर दाग धब्बा हो जाता है, जैसे चेहरा हमारा और भद्दा दिखने लगता है। तो इसका ख्याल रहे, कभी भी चेहरे को केमिकल युक्त चीजों से अपने चेहरे की सफाई नहीं चाहिए। प्राकृतिक चीजें जिसका चर्चा भी किया गया है उन्हीं चीजों से अपने चेहरे की सफाई की जाएगी और पिंपल्स आएंगे तो मुक्ति मिल जाए। जाते जाते आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने डाइट में अधिक से अधिक जूस और अल्कलाइन डाइट, कच्चे फल सलाद का सेवन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी बीमारी के लिए। तो कच्चा फल सलाद हमारे जीवन को सुखमय और खान बनाता है, हमारे बॉडी को अल्कलाइन करता है, तो निश्चित रूप से इसका सेवन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं, है एक विद्या। ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं, है आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल, इस विद्या को जानकर। ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।